दोस्तों पल्स कैंडी को किसी मार्केटिंग या किसी भी पॉपुलर सर्वे की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हम सबकी फेवरेट कैंडी है, लेकिन इस कैंडी को बनाने में फैक्ट्री में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कैसे बनती है आपकी ये फेवरेट कैंडी फैक्ट्री के अंदर, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पल्स कैंडी को बनाने की शुरुआत की जाती है इस गाढ़े ग्लूकोज सिरप से, जिसे एक कंटेनर के अंदर तय मात्रा में डाल दिया जाता है। ग्लूकोज सिरप के बाद इसमें शुगर और फिर पानी भी ऐड किया जाता है। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के लिए इस कंटेनर को गर्म किया जाता है और धीरे धीरे बॉयल होते हुए ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक नया सिरप बना लेते हैं। इस सिरप को इसके बाद दो वर्कर्स यहाँ से एक फ्लैट टेबल पर ले जाते हैं, जहाँ पर इसे बराबर मात्रा में फैला दिया जाता है। इसके बाद इस फ्लैट टेबल पर पड़े सिरप में हरा फूड कलर ऐड किया जाता है, जिसे वर्कर्स हाथों से ही सिरप के साथ मिक्स करते हैं। कलर के बाद इस कैंडी को खट्टा बनाने के लिए सिट्रिक एसिड को भी इसी तरह इसमें मिलाया जाता है। सिट्रिक एसिड के बाद इसमें कच्चे आम फ्लेवर की बारी आती है और फिर जैसे ही ये सब मिक्स हो जाता है और ये सिरप ठंडा होने लगता है, तो इसे ये वर्कर्स हाथों से गूंद कर एक बॉल में बदल देते हैं। इसके बाद इस सिरप बॉल को एक खूंटे पर टांग कर वर्कर्स इसे स्ट्रेच करते हैं और फिर इसके स्ट्रेच हो जाने के बाद इसे फिर से गूंधा जाता है। इस बार इसे ठंडे सिरप को लंबे लंबे रोल्स की फॉर्म में बनाने के बाद एक दूसरी मशीन में फीड किया जाता है। हम सब जानते हैं कि पल्स को बाकी कैंडीज से अलग करता है उसके अंदर मौजूद जलजीरा। इस जलजीरे को इसी मशीन द्वारा कैंडी में ऐड किया जाता है और मशीन से बाहर आने के बाद आपको ये एक कैंडी की लड़ी की तरह देखने लगती है। इस लड़ी को एक कैंडी कटर मशीन में फीड किया जाता है और उससे बाहर आने के बाद ये पल्स कैंडी की तरह नजर आने लगती है। अब इन कैंडीज को एक बिन में जमा कर लिया जाता है और फिर इनकी पॉलिशिंग के लिए इन्हें एक रोलर के अंदर डाल दिया जाता है। इस रोलर में ये कैंडीज एक दूसरे से घिस घिस कर पॉलिश हो जाती हैं और फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पैकेजिंग लाइन में एक तरफ पल्स के रैपर्स होते हैं तो दूसरी तरफ से कैंडी एक कन्वेयर की मदद से मशीन में आ रही होती है। ये रैपर्स तेजी से कैंडी की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन्हें रैप कर लेते हैं। ये मशीन फिर इन रैपर्स को हीट प्रेस की मदद से सील कर देती है और पैक हो चुकी कैंडी की लंबी लंबी लड़ी हमें दिखने लगती है। इस लड़ी को फिर एक दूसरी कटिंग मशीन में डालकर सभी कैंडीज को अलग कर लिया जाता है और अब ये पल्स कैंडी आपका इंतजार करने के लिए दुनिया भर के दुकानदारों और सप्लायर्स के पास भेज दी जाती है। तो दोस्तों ये थी पल्स कैंडी बनाने की कमाल की फैक्ट्री प्रोसेस है। लेकिन आप अगली वीडियो में किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं, आप चाहें तो अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।